इसके लिए आप सभी का अभिनंदन, मगर साथ ही साथ तुलाकी परिवार का जो एक सपना था कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बने और साथ ही साथ वो यूनिवर्सिटी में भी आगे जाके बने, यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे बने, तो ये सपना उनका पूरा हो रहा है। मगर बड़ा परिश्रम किया है हम लोगों ने, इसलिए उनका भी अभिनंदन। और स्वयं मेरे लिए भी बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है मैं वहीं से विधायक भी हूँ, और इस प्रकार का जब विकास होता है, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जब विकास होता है, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। लेकिन आप लोग MBBS के अब डॉक्टर 5 साल के बाद बनेंगे, मैं एक ही बात आप लोग से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप मनुष्यों के साथ उनके जो जीवन है उसके, उनको जो रोगी होते हैं उनको ठीक करने का आप पे जिम्मेदारी आएगी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मगर हम शरीर को खाली ठीक नहीं करते, हम जो शारीरिक विज्ञान होता है जो उसके लिए नहीं खाली MBBS बनते, एक मनुष्य के साथ जो मनोवैज्ञानिक चीज होती है उसके बारे में भी हम लोग को सोचना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि ये दोनों को एक साथ कैसे लेके चले। जब दोनों को साथ लेके चलेंगे तो ये आप मान के चलिएगा जो पेशेंट है वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा, और उसको इसकी इस लड़ाई से भी, किसी भी बीमारी की लड़ाई से भी निकलने में उसको एक सहायता मिलेगी। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ गुलाटी परिवार को और जितने भी जो इंस्टीट्यूट में मेडिकल साइंसेज में हैं उन लोगों से क्षमा भी मांगता हूं, क्योंकि मेरे को स्वयं आना था मगर किसी कारणवश मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं हूँ, इसलिए ये अपना रिकॉर्डेड मैसेज भेज रहा हूँ। मगर फिर मैं आऊँगा, क्योंकि मेरा ही क्षेत्र है, ये जो बनाया है ये मेरे क्षेत्र के अंदर है और विकास का एक अच्छा मॉडल है। मैं आप सबको फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ।